हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तान। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने से पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया। वीडियो ना आने का जो कारण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से आप लोगों के लिए, मैं कोचेस की बात कर रहा हूँ, मैं एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ वो जल्द ही आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें पता चलेगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है वर्ल्ड ताइक्वांडो के रूल्स एंड रेगुलेशन में अपडेट को लेके। क्या अपडेट है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से 2 जून से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या नए अपडेट आए हैं वर्ल्ड ताइक्वांडो रूल्स एंड रेगुलेशंस में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेके। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है? जीतने को लेके। पहले क्या होता था कि अगर आपको मैच जीतना है तो उसमें जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते थे वो मैच जीत जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? बेस्ट ऑफ थ्री। बेस्ट ऑफ थ्री मतलब 3 राउंड जो हमारे होते हैं 2 मिनट का हर एक राउंड, अब आपको राउंड जीतना ज़रूरी है। जिसने भी 3 में से 2 राउंड जीत लिए वो विनर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 राउंड मैंने जीता, 1 राउंड मेरे अपोनेंट ने जीता और जो 3रा राउंड था वो टाई हो गया, मतलब दोनों जो एथलीट हैं दोनों एथलीट के इक्वल पॉइंट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या गोल्डन राउंड होगा कि किस तरीके से विनर डिसाइड होगा? तो यहाँ पे विनर डिसाइड होगा, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि दोनों के टोटल स्कोर चेक किए जाएंगे, मतलब 3ों राउंड में दोनों ही एथलीट ने कितने पॉइंट निकाले हैं। जिसके भी ज़्यादा पॉइंट होंगे वो एथलीट जीत जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि दोनों ही एथलीट के टोटल जो स्कोर हैं वो भी इक्वल हों 3ों राउंड को मिला के, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि किस एथलीट ने सबसे ज़्यादा टर्निंग किक मारी है 3ों राउंड में, 1st राउंड 2nd राउंड 3rd राउंड 3ों मिला के। जिसने सबसे ज़्यादा टर्निंग किक्स मारी होंगी वो एथलीट वहाँ पर जीत जाएगा। अब काफ़ी लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी इक्वल हो गया तो क्या? तो इस सिचुएशन पे ये देखा जाएगा किसको सबसे कम गामजुम मिले हैं, किसने सबसे कम पेलेंटीज़ की हैं। जिसने सबसे कम पेलेंटीज़ की होंगी वो एथलीट यहाँ पे जीत जाएगा। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि दोनों की अगर पेलेंटीज़ भी इक्वल हैं तो क्या होगा? उस टाइम पे जो रेफरीज़ हैं वो आखिरी राउंड जो हुआ था उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एथलीट यहाँ पे डिज़र्व करता है ये मैच जीतना। तो ये था आपका बेस्ट ऑफ थ्री के थ्रू किस तरीके से आप मैच जीत सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स को लेके जो अपडेट आए हैं उसके बारे में। तो उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए अभी हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य जो कि फाइटर्स ताइक्वांडो अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, फाइटर्स ताइक्वांडो अकेडमी में ही अभी मैं शूट कर रहा हूँ। इस अकेडमी के 2 एथलीट अभी फ्रांस में जो वर्ल्ड स्कूल गेम्स होने वाले हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो मैं आपको अभी जो एथलीट हैं दो उनसे मिलाता हूँ। सो ये दो हमारे एथलीट हैं जो कि अभी फ्रांस में जाने वाले हैं। सो कितने आप अभी पहले मैं कितने प्रिपेयर्ड हो अभी आप? तैयारी चालू है, अभी थोड़े दिन है ना बाकी, तो पूरी हो जाएगी। आप कितने प्रिपेयर्ड हो? मैं तो अभी 90% हो गए। ओके, अब सब 10% सब थोड़ा सा अभी वक्त है, 2-3 दिन उसमें हो जाएगा 100%। सो यहाँ इनके जो कोच हैं वो हैं अमोल सर, और फाइटर्स ताइक्वांडो अकेडमी के जो फाउंडर हैं वो प्रवीण भोसे सर हैं, जिन्होंने हम सबको बहुत सपोर्ट किया है। तो चलिए हमारी तरफ से, पूरी पाकिस्तान फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। अगेन हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो अपडेट है उसके बारे में। सो आदित्य प्लीज़ कम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस किक की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप यहाँ पर देख रहे हैं डेडो का सेंसर हेडगार्ड है। जब हम सेंसर पे मैच खेला होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कैसा होता है कि सेंसर पे आपको किक लगती है और आपको पॉइंट नहीं आते। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हेडगार्ड पहना है। आदित्य मुझे करके दिखाएगा डेमोस्ट्रेट, फेस पे किक मारो। कभी कभी कैसा होता है कि आपने फेस पे किक मारा, मैच भी हुआ लेकिन पॉइंट नहीं आया। और कभी कभी कैसा होता है कि आपने मारा किक मारा फेस पे, जो हमारा ये पोर्शन ओपन एरिया है वहाँ पे पॉइंट किक लगता है, मारा यहाँ पे लगा, सो आपको उसका पॉइंट नहीं मिलता है। तो इस टाइम क्या होगा, मतलब अब से जो नया अपडेट आया उसमें क्या है कि आपका जो
कोच है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकता है इस चीज़ का, और इस चीज़ का अब आपको जो पॉइंट है वो 100% मिलेगा। सो कोचेज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर रेफरी, वैसे तो रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पॉइंट देना, लेकिन अगर रेफरी नहीं देता है तो कोच यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकता है और उसका जो प्रोटेस्ट है वो 100% सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट अपडेट की हम बात करेंगे जो कि है बैक किक को लेके। बैक किक को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कोचेस के बीच में, मैंने देखा है कि उनको डाउट है कि बैक किक के 4 पॉइंट कब मिलेंगे, 2 पॉइंट कब मिलेंगे, इसको कैसे जो रेफरीज हैं किस तरीके से देखेंगे कि कब इनको 4 पॉइंट देना है, कब इनको 2 पॉइंट देना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जितने भी कोचेज हैं उन लोगों के साथ। सो यहाँ पे वर्ल्ड ताइक्वांडो ने क्या बोला है कि जब भी आप बैक किक मार रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है और हेड है वो रोटेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका शोल्डर और हेड रोटेट नहीं हो रहा है तो आपको जो 2 टेक्निकल पॉइंट मिलते हैं वो टेक्निकल पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका शोल्डर, आपका हेड यहाँ पे टर्न नहीं कर रहा और आप यहाँ से ऐसे बैक किक मार रहे हो, काफ़ी लोग मारते हैं, सो अगर सेंसर मैच भी हो गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे, आपको 4 पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपना शोल्डर और हेड रोटेट करके अगर आप मार रहे हो इस तरीके से बैक किक, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। सो बहुत से जो बच्चे थे मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो काफ़ी क्या होता है कि बच्चे लोग ऐसे तरीके से किक मारते हैं तो क्या इसके 4 पॉइंट मिलेंगे? यस, आपने यहाँ पे शोल्डर और हेड रोटेट किया है तो उसके आपको यहाँ पर 2 एडिशनल पॉइंट मिलेंगे, ये बैक किक में काउंट होता है। आई होप आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि बैक किक पे कब आपको टेक्निकल जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं वो मिलेंगे और कब आपको नहीं मिलेंगे। जब आपका शोल्डर और हेड रोटेट नहीं होगा बैक किक मारते टाइम, मतलब ये सारी चीज़ें साथ में होनी चाहिए। आप बैक किक मार रहे हो और रोटेशन हो रहा है, अगर जब ये होगा तभी आपको एडिशनल 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका शोल्डर और हेड रोटेट नहीं होगा बैक किक छोड़ते टाइम, बैक किक मारते टाइम, तब आपको 2 एडिशनल पॉइंट नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टर्निंग फेस किक की। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य ने मुझे टर्निंग फेस किक मारी और टर्निंग फेस किक लगने के बाद आदित्य गिर गया, तो 5 पॉइंट तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन गिरने का उनको गामजुम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फेस पे किक मारी और फेस पे किक लग गई तो, और अगर आप गिर रहे हैं तो उसका आपको गामजुम यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हवाबाजी कर रहे हो, हवाबाजी करने का मतलब यह है कि अगर आप हवा में किक मार रहे हो और नीचे गिर रहे हो तो उसका आपको गामजुम मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सामने से फेस पे किक मार रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आदित्य ने अगर मुझे सामने से फेस पे किक मारा और उसके बाद अगर आदित्य गिरता है नीचे तो उसको गामजुम यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे इसको जो पेनल्टी है वो लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ये टर्निंग बैक किक मार रहा है राइट, और उसके बाद गिर रहा है तो क्या गामजुम मिलेगा? तो यस, गिरने का गामजुम इसको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपके अपोनेंट ने आपको फेस पे हिट किया है, फॉर एग्जांपल आदित्य ने अगर मेरे को फेस पे हिट किया है, इतना स्ट्रांग हिट हुआ है कि मैं नॉकडाउन हो गया हूँ या ब्लीडिंग हो रही है और जो सेंटर रेफरी है वो अगर काउंटिंग कर रहा है तो उसके बाद आपको जो पॉइंट है वो 100% जो सेंटर रेफरी है वो आपको पॉइंट देगा। अगर नहीं देता है तो अगेन जो कोच है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकता है और आपका जो प्रोटेस्ट है वो 100% एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लिंच करके, मतलब आपने देखा होगा कि मैं हेडगार्ड नीचे रख देता हूँ, आपने देखा होगा कि जो एथलीट हैं, सबसे पहले मैं स्टमक की बात करता हूँ, क्लिंच करके जो किक मारते हैं ये अगर सेंसर मैच भी करता है तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी मैं आपको बात करूँगा हेड पे, अगर आप क्लिंच पोजीशन पे हो, क्लोज पोजीशन पे हो और आप पीछे हिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आदित्य अभी आप क्लिंच पोजीशन में मुझे पीछे हिट करने की कोशिश करो, क्लिंच करके अगर आप किक मारते हो तो उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है गामजुम को लेके। अगर आपको एक राउंड के अंदर 4 गामजुम मिल जाते हैं तो आप राउंड वहीं पर ही हार जाएंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम पेनल्टीज आपको देनी है अगर आप मैच जीतना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपके और आपके जो अपोनेंट है उसके बीच में 12 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो वहाँ जिस भी एथलीट ने 12 पॉइंट के गैप से लीड कर रहा है वो एथलीट वहाँ पे
वो राउंड जीत जाएगा। सो जो फाइनल और सेमीफाइनल है उसमें 12 पॉइंट का जो गैप है वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो गामजुम की मैंने बात की थी, चार गामजुम अगर आपके फाइनल और सेमीफाइनल में भी होते हैं तो वहाँ पे आप मैच, मतलब आप जो राउंड है पर्टिकुलर राउंड, वो राउंड आप वहाँ पे हार जाएंगे। इसके अलावा गामजुम की अगर हम बात करें तो आप 3 स्टेप बैक, यू नो, अवॉइडिंग द मैच, आप गेम को अवॉइड कर रहे हो, ग्रैबिंग कर रहे हो, होल्डिंग कर रहे हो, सो इन सब चीज़ों का भी आपको गामजुम यहाँ पे मिलेगा। आपके साथ मैंने शेयर किया है जो मेजर अपडेट वर्ल्ड ताइक्वांडो रूल्स एंड रेगुलेशन में आए थे उनके साथ। अगर आप इसके बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हो तो अमित अग्रवाल सर और शिवानी मैडम का एक बहुत ही बढ़िया वेबिनार आ रहा है, कि जो भी इस वीडियो को देखने के बाद डाउट हैं, सारे डाउट आपके शिवानी मैडम और अमित अग्रवाल सर क्लियर करेंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस पे ये वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग रजिस्टर कीजिए। जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप जाइए और आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप अपडेट कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगा है, सच में अगर लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कोचेस के साथ, अपने ताइक्वांडो फैमिली के साथ, जिससे कि सब अपने आप को अपडेट कर पाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए फिटिस्तान के साथ। जय हिंद, जय भारत।